नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दूसरे इंटर लेवल एग्ज़ाम को लेकर। आपको बता दें कि मैं अपने गृह जिला मोतिहारी में हूं और यहां पर जो है फील्ड में काफ़ी संख्या में छात्र जो हैं ग्रुप स्टडी करते हैं। मैं भी एक ज़माने में किया करता था। काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और यहाँ के छात्र जो हैं वो देश के विभिन्न परीक्षाओं में काफ़ी सफलता भी प्राप्त करते हैं। आपको बताएं कि इन छात्रों में इंटर लेवल परीक्षा की तैयारी करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग सभी जो हैं इसके फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। और मैं आज जब सुबह टहलने के लिए निकला तो जिला स्कूल और ग्राउंड जो है यहाँ पर, वहाँ पर छात्र कई मिले और उन्होंने पूछा कि भैया ये बीएसएससी जो द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम कब होगा। तो मेरा उनको यही जवाब था कि ये मुझे छोड़िए, ये आयोग वालों को भी पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, इस साल होगा या फिर 8 साल रहेगा। वजह भी है, वजह यह है कि आयोग के द्वारा जो है काफ़ी सुस्त कार्य प्रणाली अपनाया जाता है। कोई जानकारी छात्रों के साथ शेयर नहीं की जाती है। और आप देखिए आप कि 11 दिसंबर 2023 को फॉर्म फिलअप का अंतिम तिथि था और उसके 9 महीने बाद 14 अगस्त 2024 को आयोग के द्वारा एक नोटिस दे दिया गया कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन बेस्ड होगा, सीबीटी बेस्ड जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, कुछ भी नहीं बताया गया। उसके बाद से फिर आयोग जो है वो गहरे निद्रा में चली गई। और जो इनका कार्य प्रणाली है, बहुत गुस्सा आता है। हमें ही नहीं, छात्र ऐसे स्टाइल में फ़ोन करते हैं, इतना फ्रस्ट्रेटेड फ़ोन करते हैं कि उसे सुनकर और आयोग की कार्य प्रणाली को देखकर ये लगता है कि ये आयोग नौकरी देने के लिए बना है या जीवन बर्बाद करने के लिए बना हुआ है। बताइए, 4-4, 5-5, 8-8 साल एक छात्र का एक परीक्षा में ये बर्बाद कर देते हैं और कोई सुनवाई नहीं है इन पर। बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिन पर अगर एग्ज़ाम समय से नहीं होता है, नोटिफिकेशन सही समय पर नहीं आता है, तो उसके लिए सरकार भी जो है प्रश्न पूछती है, अल्टरनेट खोजे जाते हैं या फिर आयोग के द्वारा भी प्रयास किए जाते हैं कि आप जो हैं तेज़ी करें। छात्र जो हैं उलझे पड़े हुए हैं हमारे एग्ज़ाम के भरोसे, लेकिन बीएसएससी को इससे कोई भी मतलब नहीं है और उन्हें पता है कि सरकार भी हमसे कोई प्रश्न नहीं करने जा रही है। और यही वजह है कि आप प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो है वो 8 सालों में पूरा किए। पहला सीजीएल जो था वो 2-3 साल लगा, दूसरे सीजीएल में 3-4 साल लग गया, तीसरा जो है वो 1.5-2 साल में हुआ और दूसरा इंटर स्तरीय जो है इसको लेकर भी जो अभी कार्य प्रणाली है इनकी और जितने छात्र इसमें एप्लीकेशन दिए हैं, उससे ये साफ साफ साबित होता है कि ये भी पंचवर्षीय योजना बनने जा रहा। बीएसएससी को एक नोटिस जारी कर देना चाहिए कि देखिए, जिनको नौकरी से सिर्फ मतलब है, इसके अलावा समय सीमा और इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, वही हमारे यहाँ अप्लाई करें। आप सोचेंगे कि हम आपको 1-2 साल के अंदर में नौकरी दे देंगे तो आपका सोचना व्यर्थ है। उनको एक पहले से वैधानिक सूचना जारी कर देना चाहिए कि देखिए भाई, हम मनमौजी हैं और हम जो हैं अपने हिसाब से जब मन होता है तब परीक्षा लेते हैं, तो इसमें 7-8-10 साल लग सकता है। अगर आपको इसी नौकरी में जाना है तो आप इसमें फॉर्म भरें और मेरे भरोसे अपना जीवन बर्बाद करें, या नहीं तो दूसरे परीक्षा के लिए आप कमर कस लें, उसमें परीक्षा दें आप। तो बता दें आपको कि बीएसएससी जो है बिहार के 25 लाख युवाओं का जवानी बर्बाद करने वाला आयोग है और इनकी कार्य प्रणाली जो है वो कभी नहीं सुधरने वाली है। आप देख लें कि जो परीक्षा का एक फेज अभी तक हो जाना चाहिए था, उसको लेकर एक कदम तक आगे नहीं बढ़ा गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर आपने नोटिस निकाल दिया, छात्रों में और बेचैनी बढ़ गया है कि जिस तरह ऑनलाइन सेंटरों पर जो खेल चल रहा है वो तो खेल हो भी जाता है और पता भी नहीं चलता।
ऑफलाइन में तो कुछ भी होता है तो कम से कम पता चल जाता है, उसके लिए छात्र जो है आवाज़ उठाते हैं, जांच होती है, कार्रवाई होती है। लेकिन ऑफलाइन में तो ऐसे ऐसे बहाने हैं जो कि पता भी नहीं चलता कब तक एग्ज़ाम होगा। ये भी टेंटेटिव बता देना चाहिए कि हाँ भाई हम इस साल नहीं ले पाएंगे, आप मेरे एग्ज़ाम के लिए अगले साल जनवरी के बाद ही पूछिएगा। लेकिन कोई जानकारी नहीं, कोई पत्र व्यवहार नहीं। हमेशा छात्र कहते हैं कि आप जाकर पता करें, नहीं बताता है कोई जानकारी। गेट के अंदर पत्रकारों की एंट्री नहीं है, खासकर यूट्यूब पर पत्रकार जो हैं उनको तो साफ एंट्री नहीं है, गेट पे ही रटा रटाया जवाब जो 3-4 सालों से दे दिया जा रहा है कि जो पूछताछ का काउंटर है, इंक्वायरी काउंटर, वहाँ पे जाएं और वहाँ पर एक ही जवाब है, सूचना मिलेगा, दे दी जाएगी। आप वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें तो दुर्भाग्यपूर्ण है, 25 लाख छात्र इसमें फॉर्म फिलअप किए हुए हैं और CGL-4 को लेकर भी आवाज़ें उठ रही हैं, उसको लेकर भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन ऐसे निकम्मे आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई है, लापरवाह आयोग को, सुस्त आयोग को, जहाँ पर छात्र फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और देखिए ये कोई बहुत ही अहम आयोग है, क्योंकि इसमें जो है अगर आप पुलिस को छोड़ दें तो जितने भी बिहार के विभाग हैं 40-45 विभाग जो हैं उनके बी और सी लेवल के कर्मचारी जो हैं उनकी बहालियां इनको करना है। और जितना इनका सुस्त रवैया है काम करने का, उससे तो जो डिमांड है वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। और जो बिहार में जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं वो इन्हीं विभाग के बहाल कर्मचारियों के मार्फत होता है। तो बिहार में जो सरकार भले दावा कर ले कि विकास की गति को हम तेज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आपके पास उसे इम्प्लीमेंट करने वाले कर्मचारी सही समय पर नहीं मिला करेंगे, आप कैसे कर पाएंगे। और सबसे पहले तो ज़रूरी है BSSC एक अलग से नोटिफिकेशन जारी करवाए सरकार को, कह के कि उनके विभाग में ही इस परीक्षा आयोग को ही कर्मचारियों की ज़रूरत है और उसके लिए एक नोटिफिकेशन निकालें। क्योंकि हमें जो पता चलता है कि ले देकर एक दर्जन के आसपास कर्मचारी हैं जिनके भरोसे इतना बड़ा आयोग चल रहा है, जिसको दर्जनों महत्वपूर्ण परीक्षाओं को लेना पड़ता है। गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एग्ज़ामिनेशन के डेट जो हैं टेंटेटिव डेट भी कम से कम छात्रों को बताएं कि उन्हें आपके परीक्षा के लिए तैयारी करने का वजह मिले, एक टारगेट मिले, ताकि वो अपनी तैयारी को धार दे सकें। आशा करेंगे कि BSSC जो है इसको लेकर कदम जरूर उठाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।